सो गाइस हैव रीच्ड द रेलवे स्टेशन। एक्टिव बहुत दूर खड़ा नहीं पड़ रही, तो भागना पड़ेगा थोड़ा आगे तक। सो लेट्स गो एंड दिस इज द चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। बोला बन जा रहे हैं कि 3-4 मिनट रह गए इसी ट्रेन को, बट मिल जाएगी होपफुली। अब जल्दी आए हम थोड़ा। लेट्स गो, लेट्स रन। स्टेशन ऑन टाइम। गाइस आई एम इन दिल्ली रेलवे स्टेशन, पहुंच चुका हूं मैं। एंड मैं फर्स्ट टाइम जाने वाला हूं ऑन सेल्फ से सिकंदरी घर तक, जो मुझे नहीं पता क्योंकि वो हमेशा लेने आते थे, मुझे उसका भाई लेने आता था। और सरप्राइज चक्कर में मुझे अकेला जाना पड़ेगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। अभी तो मैं शूट नहीं करूँगा क्योंकि मैं दिल्ली से थोड़ा वाकिफ नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ। तो लेट्स गो। सबसे पहले हमने लिया है मास्क आंटी से, उतरते ही दिल्ली। आंटी लो, धन्यवाद। Let's go. फाइनली आफ्टर ऑल दिस क्राउड, इतना क्राउड काटने के बाद घुसा हूँ अंदर। अब चलते हैं पहले राजीव चौक, फिर वहां से नंदनी घर। लेट्स गो। एक जुनून एक दीवानगी, हर तरफ हर तरफ बेखुदी बेखुदी। तो गाइस अभी मैं राजीव चौक में, और नंदनी के कॉल आई जा रहे हैं बार बार कि कहाँ है, बट आई हैव टू हाइड दिस थिंग फॉर अ मोर टाइम। लेट्स गो। जैसे जैसे धीरे धीरे पास पहुंच रहा हूँ, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है गाइस। बहुत ज़्यादा प्लान करेंगे क्या करना है उतर के। सो गाइस मैं अभी फाइनली पहुंच चुका हूँ नंदनी के घर के बहुत पास, ठीक है। और नंदनी कॉल पे कॉल कर रही है मुझे, तो अब मैं जाता हूँ नंदनी से मिलने। बट मैं प्लान सोच रहा हूँ क्या प्लान करूँ उसका सरप्राइज़ का। सो लेट्स सी, प्लान करते हैं फिर एक्सिक्यूट करेंगे। मुझे पता ही चल रहा है कि नंदनी कहाँ रहती है, एंड मैं फंस चुका हूँ दिल्ली में, और मैं उसको सरप्राइज़ देने आया हूँ। और उससे मैं पूछ रहा कि तू कहाँ रहती है भाई, तू मुझे बता, क्योंकि मैंने ऑर्डर वाले को बोला हुआ है जो ऑर्डर करवाए गए थे, और वो लड़ रही है मेरे से। दिखाता हूँ, चैट दिखाता हूँ। होली शिट, नंदनी ने मेरे लिए ऑर्डर करवा दिए मेरे घर पे, एंड उसको ये नहीं पता कि मैं तो दिल्ली आ रखा हूँ। उससे मेरे घर पे रोज भिजवा दिया क्योंकि हमारा एनिवर्सरी है। वो कह रही है मैं फिर कॉल तब तक उठाएगा नहीं, मैं बताऊंगी नहीं, और मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। बहुत बुरी तरह, इतनी गर्मी है ना दिल्ली में, बाय गॉड बहुत ज़्यादा गर्मी। चंडीगढ़ में इतनी है, बट मैं चंडीगढ़ में बाहर निकलता नहीं ना ज़्यादा भाई, बहुत सॉलिड गर्मी है। और फंस चुका हूँ बहुत ज़्यादा फंस चुका हूँ। और मैं चाहता नहीं कि सरप्राइज़ इस मोमेंट में आगे ख़राब हो मेरा, जब मैं पता नहीं कहीं आस पास ही हूँ। शिट, अब मैं उसके भाई की हेल्प ले रहा हूँ, क्योंकि वो तो हेल्प करेगी नहीं, तो उसके भाई से करता हूँ, लेता हूँ हेल्प थोड़ी। बुरे हाल हो चुके हैं गर्मी में, लेट्स गो। 3 बार बदल रहा हूँ भाई, पक गया हूँ पूरा मेट्रो से। तो मैं एक इन्फ्लुएंसर के साथ वीडियो बनाता हूँ भाई। मैंने देखा हुआ है आपको, एक उस इन्फ्लुएंसर से मैं मिलने आया हूँ ना, और उसको सरप्राइज देना है मुझे, और मैं भटक
ही जा रहा हूँ स्टेशन से बस। हाँ मैंने देखा हुआ भाई। पकड़ लिया साड़ो पकड़ लिया। उनसे मिलने जा रहा हूँ यार, मैं मिल ही नहीं रहा हूँ। मैं पता नहीं चल रहा कौन से स्टेशन जाना कब जाना है। ठीक है भाई, पीछे भी देखा हुआ है, देखा हुआ है भाई, हेल्प कर देंगे हमें, मुझे लग रहा है पहुँच जाऊँगा मैं जल्दी। गाइस इफ यू लव टू वॉच आवर व्लॉग्स एंड वीडियोस प्लीज हमें फॉलो और सब्सक्राइब और हमारी वीडियो प्लीज शेयर किया करो, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। भाई इंटर जो चुके हैं आईडिया हमारी, कोई बात नहीं, लेट्स गो। सो फाइनली गाइस पहुंच चुका हूं मैं जहां पे नंदी का घर बहुत क्लोज है स्टेशन से। मैं ऐसे रिपीट तो नहीं करूंगा, बट भाई साहब मैंने 3-4 स्टेशन बदले हैं, 3-4 से 5 स्टेशन बदले हैं, मेरे को पता ही नहीं था कहाँ रहती है वो। क्यों फर्स्ट टाइम है वो उनसे नहीं, तो खुद वो ना मुझे हमेशा लेने आती थी और इस टाइम मैं फर्स्ट टाइम आया और फंस गया। सो नंदनी के लिए ना ब्लिंकिट भी चल रहा, तो फ़ोन ही बंद हो गया, तो मैं ऐसे मैनुअल ले रहा हूँ एक चॉकलेट, 50 रुपये पड़े हैं बस, उसकी चॉकलेट ले लेता हूँ, लेट्स गो। सो फाइनली जजमेंट डे इज हियर, लेट्स सी क्या जाता सरप्राइज। हाय गाइस, लेट मी एक्सप्लेन द प्रॉपर सिनेरियो उस दिन का। ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, ये लेटेस्ट तो नहीं है बट थोड़ी सी पुरानी है। और इस दिन क्या हुआ है, मेरे पास 2 फ़ोन थे, जो एक फ़ोन जिसके फुटेज देख रहे हो वो सिर्फ एक ही फ़ोन की फुटेज है, और उसको मैंने पाइवट किया था ट्राईपोर्ड पे साइड में रखा हुआ था, और एक मेरे पास था जिसकी बैटरी ऑलमोस्ट डेड थी। उससे मैं नंदनी को कॉल कर रहा था बाहर उसके घर के बाहर वेट करके कि यार ब्लिंकिट से ऑर्डर आया एक, वो ले आओ, डिलीवरी बॉय बाहर ही खड़ा है। एंड शी वॉज वेरी एंग्री विद मी कि मैं इसको सुबह से कॉल ही नहीं पिक कर रहा हूँ उसकी। शी वॉज लाइक कि तू कहाँ है भाई, तू घर क्यों नहीं है, वाई आर यू नॉट विद मी ऑन कॉल, वाई आर यू नॉट विद मी ऑन दिस स्पेशल डे। उसको मनाने के लिए 15 मिनट्स बाहर उसके घर के बाहर वेट करता रहा। उसको मैंने बोला कि प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि वो डिलीवरी बॉय से तो सर मेरा स्पेशल एक बहुत स्पेशल गिफ्ट है जिसको देख के तो बहुत खुश होगी। 15 से 20 मिनट बाद वो बाहर आई और आप उसका रिएक्शन देखो। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ ज़ालिमा, ओ ज़ालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ ज़ालिमा, ओ ज़ालिमा। जो तेरी खातिर तड़पे। कैसा लगा सरप्राइज आपको? मुझे बहुत बढ़िया लगा, बाहर निकल रहा है, देख रहा हूँ क्या हो रहा है, कैसा लगा सरप्राइज आपको? एक बार बाहर था चेहरा तो दिखा दूंगा, आंखें मरहबा बातें मरहबा, मैं सो मरतबा दीवाना हुआ। कैसा लगा? मैंने यहाँ से वहाँ गिफ्ट भेजा। कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी एनिवर्सरी। Guys, how was my experience after meeting Nandini and traveling all alone in one day, up and down, वापस जा रहा हूँ मैं घर उसी दिन same day, and here are the snacks. So मज़ा आ गया, कुछ हटकर था, missing her already and
एंड आई होप नंदनी को मेरा ये सरप्राइज अच्छा लगा होगा. आई वॉज ऑलवेज ग्रेटफुल, आई विल बी ग्रेटफुल कि मुझे इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली. शू शेयरिंग में हर लाइफ विद मी एंड एवरीथिंग. I just love you. Now just see the sunset with me. Dekhe jaani jayega meri kaafil har mera mahana hua tujh se hi shuru tujh kya yaad aa rahi hai tu maar khada tha ha aise karta. पुरानी आदत आ जाओगी. सुबह आया शाम को चला गया.